रोहित विराट अय्यर फ्लॉप। इस खिलाड़ी ने ठोका 3 शतक। अहमदाबाद में मिलेगा मौका। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल ली, लेकिन इन 3 मुकाबलों में भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी लगाई। उसके अलावा विराट और श्रेयस अय्यर के बल्ले से अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ भारत का ही एक ऐसा खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जमकर रन बना रहा है, उसने इंडिया के लिए खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन कर दिया और 1 मैच में 3 सेंचुरी जड़ दी। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ईरानी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल का धमाल। जी हाँ दोस्तों, इस समय ईरानी ट्रॉफी खेली जा रही है, जहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम एमपी के साथ मुकाबला खेल रही है। वही एमपी जो पिछले से पिछले सीजन की चैंपियन रही थी, और ऐसे में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के लिए खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने मैच की पहली पारी में 213 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 30 चौके और 3 छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार 2 शतक जड़ते हुए बताया कि वो क्यों इतने बढ़िया बल्लेबाज है और आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। दूसरी पारी में भी यशस्वी जायसवाल ने जड़ा 100। अब ये रही यशस्वी जायसवाल की पहली पारी की बात। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 259 गेंदों में 213 रन बनाए, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में तो वो और खतरनाक नजर आए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में तो बड़ी बढ़त ली ही, दूसरी पारी में भी उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को बड़ी बढ़त दिलाई। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इस मुकाबले में अभिमन्यु और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने उतरे थे। यशस्वी जायसवाल को 3रे नंबर पर मौका मिला और दूसरी पारी में भी यशस्वी जायसवाल ने कमाल की सेंचुरी जड़ दी, जो बताता है कि यशस्वी जायसवाल कितने धमाकेदार बल्लेबाज हैं। और यशस्वी जायसवाल का अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन देखेंगे तो मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने बहुत 100 लगाए हैं, और साथ ही वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का एक अहम हिस्सा है। टीम इंडिया में कब मिलेगा मौका? अब सवाल यह है कि टीम इंडिया यशस्वी जायसवाल सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को कब मौका देगी, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि हमने टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों को देखा जो टर्निंग विकेट पर 2 दिन भी नहीं खेल पाते हैं, तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट के उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो सही मायनों में टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज है और वो किसी भी विकेट पर अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, इन खिलाड़ियों ने बहुत रन बनाए हैं और आज भी रन बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर, इन सभी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 3 मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, रोहित शर्मा के बल्ले से जरूर नागपुर टेस्ट की पहली पारी में सेंचुरी निकली थी, लेकिन उसके बाद वो भी फ्लॉप रहे हैं। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को मौका कब मिलेगा, ये पूरा भारत जानना चाहता है। क्यों इन खिलाड़ियों को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा है, ये हमें कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।